तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की तारीख है 15 मार्च, दिन है बुधवार। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता है कल हमने ट्रांसप्लांट किया, जो हमने पौध डाली थी उनको हमने लगा दिया, शिफ्ट कर दिया, वो दिखाया। और आज लगभग 15 दिन हो गए ना, 15 दिन बाद हमें क्या करना चाहिए प्लांट में, इससे हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करें और उन्हें कोई आगे चले कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आज हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों? आज हम ये देखिए, आप हम हाथ में लिए हुए हैं, ये नैनो यूरिया है जो इसको कहा आता है वो है। एक्चुअली यूरिया की जरूरत पौधों को बहुत ज़्यादा होती है, हर 15 दिन में इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो हम इसको हर 15 दिन में इस्तेमाल करेंगे। साथ में ये एक हमारे पास टॉनिक है, बाउंस बैक, ये ग्रोथ प्रमोटर है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है और इसको हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, तो इसको हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को एक साथ मिक्स करके हम अपने प्लांट्स पर, सभी प्लांट्स पर डालेंगे। इससे पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी होगी, इससे पौधा ऊपर अच्छे से बढ़ेगा। और साथ में इससे ग्रोथ प्रमोटर डालने से पौधा बहुत फास्ट बढ़ता है, थोड़ा जल्दी बढ़ता है। जल्दी बढ़ने से उसमें शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी, उसमें पौधा अच्छा हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तो ये हम आज करते हैं, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, 2 लीटर की बोतल, 2.5 लीटर की बोतल ये रहती है, इसमें हमने उसको एक ढक्कन के आसपास हमने नैनो यूरिया लिया और एक ढक्कन के आसपास हमने इसमें जो हमारा बाउंस बैक ग्रोथ प्रमोटर है वो लिया है। एक ढक्कन का अर्थ है कि 10 ml 10 ml दोनों हमने लगभग ले लिए हैं और इसको हम अब स्प्रे करते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद अब हम इसको स्प्रे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसमें पत्ते भी काट दिए हैं। ये ऊपर पत्ता काट दूंगा, तो ये देखिए काट दिए हैं और हमने ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल के हल्का सा इसमें डिकम्पोजर डाल दिया है। तो ये पत्ते क्या बड़े नहीं छोड़ना है, जल्दी सड़ाना है तो, और टाइम अगर ज़्यादा देर खर्च करना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी डाल दीजिए। थोड़ी सी मेहनत में अपना काम बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब धैर्यता भी चाहिए आपको, ऐसा किसी घर में काम करते ना इस तरीके से, इसको भी टाइम और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये चाय की पत्ती इस तरह से हम निकाल लाते हैं। अब इसको हाथ सुखाएंगे, इसको क्या करेंगे, देखना इसको ढक दिया, इसी के ऊपर इसको फैला देंगे धूप में आराम से। ये अच्छी धुली हुई है बढ़िया, इसको थोड़ा सूख जाएगी, हल्की सी जो नमी होगी ना, डायरेक्ट डालेंगे तो दिक्कत वैसे तो होगी नहीं, लेकिन हम सुखा के ही डालते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। ये शाम तक सूख जाएगी, हम जिस गमले में हमने इससे पहले डाले उसके अल्टरनेट डालते रहते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया कि हमने अपने प्लांट्स में नैनो यूरिया और बाउंस बैक ग्रोथ प्रमोटर डाला। अब जो भी ग्रोथ हमारे प्लांट्स में आएगी, जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देंगे। अब ये एक्टिविटी हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो हमने आज आपको बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप बताएं। बस हमको तो बड़ी खुशी मिलती है ऐसा काम करने में, और वीडियो बना कर अगर आपको भी अच्छा लग रहा है और आपको भी कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी सारी सब्जियाँ लगाएंगे, इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और कुछ समय बाद कम से कम एक महीने बाद क्यों, हाँ लगभग लगभग 45 से 60 दिन में छा जाएगा हमारी बावला, एक डेढ़ महीने में सब हो जाएगा, कितना सुंदर लगेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से जुड़े रहे कि किस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्लांट भी आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते एक नए वीडियो के साथ, जय श्री कृष्णा, राधे।